चिड़िया अंतराक्षी खेल रही है अपनी बाइक की तरह, बाइक अंदर खड़ी है, थोड़े मेरे को देख कर चिल्ला रहे हैं। سوي فحص نظر ايه ميديكال ايه كله يجي زين ان شاء الله ايه يطلع امبيسي ايه سوي ختم ايه اليوم كله خلاص ان شاء الله اليوم كله خلاص ايه مهندر سينج جود قالو دوستو سب كيسے ہو آئی تھنک آپ سب اچھے ہوں گے तो आज हमारा फाइनल टेस्ट होएगा। हम दोनों जा रहे हैं सिटी, तो अभी वहाँ पर जाएंगे एम्बेसी और मेरी डॉक्टरी होगी। डॉक्टरी होने के बाद में मेरा जो काम है उसको चेंज करेगा और उसके बाद में जाएंगे वहाँ पर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और ट्रेनिंग कैसे होती है क्या होती है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा और थोड़ा बहुत कुवैत का व्यू भी बताऊँगा आपको, कुछ आपके लिए कुछ सीखने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें बताऊँगा। तो आई होप आपका ये 5 मिनट का वीडियो है ये आपकी ज़िंदगी भी सुधार सकता है, क्योंकि आप कभी भी किधर आओगे तो आपको पता होगा कि हाँ भाई उस दिन महेंद्र भाई का वीडियो देखा था, तो अपने को ये चीज़ सब पता है। तो बने रहिए इस वीडियो में। और हाँ, अभी तक आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम दोस्तों गए थे यहाँ पर आरटीओ ऑफिस में, वहाँ पर हमारा मेरे आँख के टेस्ट हुई थी और दूसरी कुछ डॉक्टर ही हुई नहीं, खाली मेरे आँख का टेस्ट किया और मेरा फिंगर लिया और कुछ खास बोला नहीं और हमारे को बोला बोले चले जाओ आज, ठीक है। और उसके बाद में मेरा जो वहाँ पर ट्रेनिंग का है वहाँ पर अपॉइंटमेंट लिया, वो अपॉइंटमेंट आगे आ गया है थोड़ा, ठीक है। 17 तारीख का है तो 17 तारीख को वापस आएंगे। उसके बाद में हम आ गए इधर हमारे सेट के रूम के अंदर, ये हमारे सेट का यहाँ पर ऑफिस है, ऑफिस के अंदर आ गए और यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू। ये कुवैत की सबसे ओल्डेस्ट बिल्डिंग है, ये सबसे हाइट में जब थी, पहले जो सद्दाम ने हमला किया था ना उस समय की ये सबसे हाइट वाली बिल्डिंग है। अभी तो ग्राउंड फ्लोर से 2 फ्लोर ही है ये, अभी तो काफ़ी बिल्डिंग है बड़ी बड़ी बन गई है। तो अभी यहाँ पर हम काफ़ी टाइम से राइड कर रहे हैं गाड़ी के अंदर, तो थोड़ा पानी पी लेते हैं क्योंकि आज गर्मी बहुत है बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक आप देखोगे ना पबजी वाली फीलिंग आ रही है पूरी की पूरी। आप यहाँ की रोड और यहाँ के जो साइड में ये दुकानें लगी हुई है, ये गाड़ी के ऊपर दुकानें रहती है, यहाँ पर पानी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐसा ही मिलता है और छोटा मोटा बच्चों का खिलौना वगैरह मिलता है और थोड़ा बहुत यहाँ पर ऑयल वगैरह भी मिलता है, कोयला मिल जाता है, लकड़ी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी की बहुत कमी है, पेड़ पौधे देखने को है नहीं ना इसलिए। और रोड का व्यू देखे तो काफ़ी अच्छी रोड बनी हुई है यहाँ पर, ये इंटरनेशनल रोड है, ठीक है। ये कुवैत से इराक, इराक से ईरान और तुर्की होके ये पाकिस्तान तक ये रोड है वो आती है। तो यहाँ पर कुवैत के अंदर देखे तो यहाँ पर 8 लाइन बनी हुई है, काफ़ी तकड़ी अभी रोड बने, पहले तो 6 लाइन ही थी, अभी 8 लाइन बना दी है। और यहाँ पर व्यू देखे तो यहाँ पर आसपास में ज़्यादातर लोग यहाँ के हैं ना सिटी में ही रहते हैं, जो वर्कर रहते हैं ना यहाँ पर, जितने भी आप देखोगे ट्रक ड्राइवर जो भी यहाँ पर गाड़ी थोड़ी पुरानी गाड़ी देखोगे ना वो सब वर्कर इंडिया पाकिस्तान। भाई रोज की भांति आज भी आ गया वापस, आज भी लाइसेंस मिले नहीं मिला, ठीक है ना। अभी आज खाली कागज कार्रवाई कंप्लीट हुई क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग थे लाइसेंस बनाने के लिए, तो आज ट्रेनिंग में नहीं जा पाया क्योंकि आज वहाँ पर पहले ही अपॉइंटमेंट ज़्यादा हो गया था और हमारी कागज कार्रवाई पूरी हुई नहीं, तो उससे पहले अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। अभी मैं आ गया अपने रूम पर, यहाँ पर ये देख सकते हैं अपना घोड़ा खड़ा है इधर, उसमें लोग सब सो रहे हैं, चिड़िया अंतराक्षी खेल रही है अपनी बाइक की तरह, बाइक अंदर खड़ी है, थोड़े मेरे को देख कर चिल्ला रहे हैं।
बिल्कुल थोड़ा सा खुश हो जाए, बहुत थक गया।